हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो यस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी कानपुर की। तो इनकी तरफ से पीएचडी के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं। सो डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। आई थिंक 23 को भी डिपार्टमेंट्स के रिजल्ट आए हैं। आई थिंक इट इज़ फिजिक्स, राइट? फिजिक्स के जो रिजल्ट है वो कल आए हैं, ठीक है। तो यस, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिस्ट जो है वो इनके डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं एंड बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में या तो अभी ऑब्वियसली आए नहीं होंगे तभी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, या इनफैक्ट अगर आए हो और आपको पता हो तो आप बता भी सकते हैं। सो देखिए, डिपार्टमेंट्स की बात करें जिनके रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल है। देन बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग BSBE के भी लिस्ट अवेलेबल है, रिजल्ट आ चुके हैं। देन सिविल इंजीनियरिंग, येस। देन IME इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, येस। उसके बाद है MSc, दैट इज मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इनकी भी लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अवेलेबल है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग। देन ह्यूमैनिटीज़ में अभी रिजल्ट्स नहीं आए हुए हैं। साइंसेज में येस, केमिस्ट्री के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कॉग्निटिव साइंस भी, अर्थ साइंस भी, मैथ्स के, स्टैट्स के, फिजिक्स के, इन सभी सब्जेक्ट्स के, डिसिप्लिन के जो अभी मैंने बोले उन सबके रिजल्ट अवेलेबल हैं इन्हीं की वेबसाइट पर। आप सिंपली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं वेबसाइट और देख सकते हैं। और बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं अभी अपडेट नहीं है, अगर होगी तो आई विल इन्फॉर्म यू, अदरवाइज अगर आपके पास है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मुझे इन द सेंस आप कमेंट सेक्शन में हम सभी को बता सकते हैं। सो यस, आपने केमिकल इंजीनियरिंग कमेंट किया था लास्ट IIT रुड़की वाले वीडियो में, तो उसका अभी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज इट, ये था आज का अपडेट फ्रॉम IIT कानपुर एंड दैट इज इट। थैंक यू सो मच।